मैं हूं अनुराग जसपाल, जसपाल फिट में स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज मैं आपको टॉप 5 वेज फूड बताऊंगा प्रोटीन के लिए, जिसको अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। दोस्तों मैं अधिकतर ये जितने भी आपको बताऊंगा उसमें से सब चीज़ मेरे डाइट में है दोस्तों। बस मैं एग्स खाता हूं, आप जानते ही होंगे, चिकन वगैरह नहीं खाता, तो बस 3-4 एग्स खाता हूं मैं और बाकी पूरा वेज डाइट फॉलो करता हूं। मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, बहुत से लोग बोलते हैं कि वेज में कंप्लीट प्रोटीन नहीं है। हाँ मैं जानता हूँ वेज में कंप्लीट प्रोटीन नहीं है, लेकिन आप उसे कंबाइन करके साथ खा सकते हैं। जैसे आप दाल खा रहे तो चावल के साथ खाइए, ठीक दोस्तों। मैं आपको पूरा चीज़ बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे सपोर्ट करते रहना दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो मैं आ चुका अपनी किचन में, तो आपको दिखाऊंगा क्या क्या है 5 चीज़ें। मैं आपको सबसे पहली चीज़ दिखाता हूँ, हमारा टॉप 5 चीज़ें पीनट, देख सकते हैं, रोस्टेड पीनट या कच्ची मूँगफली, कोई भी मूँगफली ले सकते हैं। और 100 ग्राम पीनट में 26 ग्राम प्रोटीन है, बहुत ही अच्छा चीज़ है। हाँ हेल्दी फैट है, ना ही ट्रांस फैट है, ये सब जरूर ऐड करिए। 50 ग्राम दोस्तों बहुत है, ठीक है दोस्तों, ले सकते हैं, देख सकते हैं दोस्तों, रोस्टेड पीनट है, आप कोई पीनट ले सकते हैं, चाहे वो भी रहे। ये हमारा टॉप 5 फूड है, ठीक है दोस्तों, इसको अपने डाइट में जरूर ऐड करना। अब जिसको पीनट बटर लेना है वो ले सकते हैं, मैं मना नहीं किया हूँ, पर दोस्तों ये 120 रुपये किलो मिलते हैं और पीनट बटर मिलता है दोस्तों 450 रुपये किलो। तो आप सोच सकते हैं कौन सा अच्छा है आपके लिए, दोनों अच्छा चीज़ है, बट आपको बजट के आपके जो बजट में सही लगेगा उसको लेना, ठीक है दोस्तों। दोस्तों उसके बाद हमारा टॉप 4, ये देख सकते हैं दोस्तों, मेरा चौथा फूड है हमारा टॉप 4 वाला, रोस्टेड चना है। आप कोई भी चना ले सकते हैं, बेसन हो गया, कच्चे चने, पर दोस्तों कच्चे चने डाइजेशन होने में तो दिक्कत होते हैं, तो आप उसके जगह रोस्टेड चना खाइए, या खाना कच्चे चना सिर्फ एक सर्विंग खाइए स्प्राउट में, उसके अलावा मत खाइए, ठीक है दोस्तों। ये कच्चे चने हैं, अब बहुत से लोग बोलेंगे कि कंप्लीट प्रोटीन नहीं है। हाँ दोस्तों ये कंप्लीट प्रोटीन नहीं है, मैं जानता हूँ, इसको आप दोस्तों मिक्स करके खाइए। जैसे कि आप चने की दाल खा रहे हैं तो आप उसे चावल के साथ खाइए, ऐसे तो खाएंगे नहीं, इसे इन दोनों को मिक्स करके खा सकते हैं, चना और इसको रोस्टेड करके दोनों को मिक्स कर खा सकते हैं। तो दोस्तों कंबाइन करके खाएंगे तो आपका प्रोटीन पूरा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 100 ग्राम चने में दोस्तों 20 ग्राम प्रोटीन रहता है, हालांकि कंप्लीट प्रोटीन नहीं है, लेकिन आप उसे कंबाइन करके खाएंगे तो आपको पूरा प्रोटीन मिलेगा, ठीक है दोस्तों। चने का बहुत सारा फॉर्म है, जैसे बेसन हो गया, रोस्टेड चना हो गया। दोस्तों टॉप थ्री में दोस्तों हमारा ये है, देख सकते हैं, मूंग है, मूंग की दाल दोस्तों, आप कोई भी दाल ले सकते हैं, पर मूंग की दाल में ज़्यादा प्रोटीन होता है। और दोस्तों इसे मिक्स करके खाना, जैसे मैं आपको बताया हूँ कि इसको मिक्स करके खाना दोस्तों, जैसे कि आपको मैं बताया हूँ कि स्प्राउट खा सकते हैं, चना हो गया, पीनट हो गया, इसका तीनों का स्प्राउट, तो इसको भी खा सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे ही खाना है तो दोस्तों जैसे इसकी मूंग की दाल आती है उसको बना के अगर चावल के साथ खा सकते हैं, या रोटी के साथ खा सकते हैं, या फिर मूंग का चीला बना सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है, बेसन का चीला बना सकते हैं, ये सब दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन है वेज में। मैं दोस्तों अधिकतर वेज डाइट फॉलो करता हूँ, बस मेरे में 3-4 एग हैं और बाकी मैं पूरा वेज डाइट फॉलो करता हूँ, ना चिकन खाता हूँ, ना कोई सप्लीमेंट लेता हूँ। 100 ग्राम मूंग में 24 ग्राम प्रोटीन रहता है, ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही अच्छा सोर्स है, इसे जरूर ऐड करना डाइट में। 100 ग्राम मूंग आप जरूर खाइए, और भी दाल में प्रोटीन रहता है लेकिन मूंग में ज़्यादा रहता है, तो आपकी मर्जी, आप कोई भी खा सकते हैं, पर मूंग का मैं ज़्यादा खाता हूँ, आप इसे ज़रूर खाइए, स्प्राउट में खा सकते हैं, बताया था आपको। तो हमारा दोस्तों टॉप 2 फूड है मिल्क, कोई भी मिल्क ले सकते हैं आप, यहाँ पे बस अमूल मिल्क है, बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, दूध दही जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं बहुत ही अच्छी चीज़ है। 100 ग्राम दूध दोस्तों आपको 3 ग्राम प्रोटीन मिलता है, अगर आप आधा किलो दूध पियेंगे तो आपको 15-16 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, तो आप इसे ज़रूर ऐड करना, कंप्लीट प्रोटीन है दोस्तों। और दोस्तों हमारा टॉप 1 में फूड है, जो हमारे पास टॉप 1 है, सोया चंक्स। 100 ग्राम सोया चंक्स में 52 ग्राम प्रोटीन होता है, आप डेली 50-100 ग्राम खा सकते हैं। बहुत से लोग अब इसमें बोलेंगे ये होता है वो होता है, दोस्तों आज तक इतने भी रिसर्च हुआ है इसमें कहीं नहीं पाया गया कि सोया चंक्स खाने से गायनो होता है या मैनबूब्स होता है। आपको मैं फ़ोटो दिखाता हूँ, देख सकते हैं, ये दोस्तों गायनो है, गायनो अलग होता है दोस्तों और चेस्ट फैट अलग होता है, लोग चेस्ट फैट को गायनो समझ लेते हैं, ऐसा नहीं दोस्तों, बहुत ही अच्छा चीज़ है, हमारे लिए वरदान है, ठीक है दोस्तों, इसे वेजिटेरियन मीट कहते हैं, तो इसे ज़रूर ऐड करिए। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ वीडियो अच्छा होगा लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना चैनल को, और भी ऐसी ज़बरदस्त वीडियो लाते रहूँगा। आपको जो भी क्वेश्चन है कमेंट पूछना, मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा। तो ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय श्री राम।